Hello everyone and welcome to OFH Official Fahim Hasan. Official Fahim Hasan में हम कोरल ड्रा स्टार्ट करने लगे हैं. कोरल ड्रा की भी काफ़ी दोस्तों की फरमाइशें आ रही हैं कि हमने कोरल ड्रा सीखना है. तो सबसे पहला सवाल तो कोरल ड्रा कौन सा बेस्ट है. काफ़ी सारे वर्जन आ चुके हैं, कोरल ड्रा 7, 8, 9, 10, कोरल ड्रा 17. तो कोरल ड्रा सबसे जो बेस्ट है वो है कोरल ड्रा X5. इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं और इसमें यूनिक फीचर्स हैं. बाकी कोरल ड्रा 10 आप देख लें या 9 देख लें वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसमें हम इस वीडियो लेक्चर में कोरल ड्रा X5 पे काम करेंगे. तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, आप लोगों को ये इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगा, प्लस इसका क्रैक भी मिल जाएगा. तो कोरल ड्रा X5, कोरल ड्रा बेसिकली जो है वो बैनर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. किसी भी शॉप का बैनर, महफिल का बैनर या कोई भी सेमिनार है उसका बैनर बनाने के लिए कोरल ड्रा को इस्तेमाल किया जाता है. कोरल ड्रा की फाइल को भी प्रिंट करना आसान होता है. बैनर्स तो हम अडोब फोटोशॉप पे बना सकते हैं, लेकिन उसको बाद में कोरल ड्रा पे ला इम्पोर्ट करके तो फिर उसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ती है. तो उससे अच्छा है हम कोरल ड्रा पे काम कर लें. कोरल ड्रा X5 आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और इसके साथ इन पेज लाजमी इंस्टॉल करना है. मैंने इन पेज 8 इंस्टॉल किया है. आप लोग अच्छा सा इन पेज 2014 या 2008 आप उस पर इंस्टॉल कर लें और कोरल ड्रा X5. तो इसमें फ़िलहाल हम इसके एक आध फीचर ही पढ़ेंगे कि इस पे हमने न्यू पेज कैसे लेना है. इन पेज पे आप लोगों ने कंट्रोल एन शॉर्टकट की, इससे न्यू पेज, न्यू डॉक्यूमेंट, इसकी सेटिंग देख के जिस तरह का आपने पेज रखना है इसको ओके कर देना है. अब हम इस पे उर्दू लिख सकते हैं, इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं. और कोरल ड्रा X5 जब हम ओपन करते हैं तो आप लोगों के सामने खुद ही क्विक स्टार्ट आ जाता है, जिसे हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे. तो अब ये न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पेज क्रिएट करने का कह रहा है, कितने रेजोल्यूशन का, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, वेथ होनी चाहिए, लेटर पेज, पेज साइज, लेटर A4, लीगल, जोन सा आप लोग यूज़ करेंगे इसको आप सेटिंग करके ओके कर देना है. तो आप लोगों के सामने ब्लैंक पेज आ जाएगा. अगर हमने इन पेज की जो है उर्दू लिखी हुई इसको कॉपी करके तो हम कोरल ड्रा में लेके जाएंगे ताकि हम लोग आगे जो है वो अपना नेक्स्ट काम कर सकें. कोरल ड्रा में बेसिकल मैंने आप लोगों को बताया है कि बैनर्स बनाए जाते हैं. तो हम अगली वीडियोस में A to Z हम देखेंगे किस तरह हम बैनर बना सकते हैं और किस तरह हम जो है बैनर्स की सेटिंग कर सकते हैं, बैनर्स को ऐड कर सकते हैं. इस वीडियो में फ़िलहाल कोरल ड्रा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कोरल ड्रा के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, कोरल ड्रा X5 और इन पेज 8, ये दो चीज़ें रिक्वायर हैं. ये लोग आप इंस्टॉल करें. नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह इसके कुछ फीचर देखेंगे, उससे आगे ट्यूटोरियल में उसके कुछ और फीचर. इस तरह हम 10 या 12 लेक्चर में कोरल ड्रा को कम्प्लीट करेंगे. हमारा चैनल ऑफिशियल फहीम हसन, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस लेक्चर आपको आसानी से मिल सकें. हमें दुआ में याद रखेगा. अल्लाह हाफिज़.